रोई का तो जाते जी पिंड चले रोई जाते जी। वादा करो पक्का आओगे वापस आओगे? थोड़ा सा इमोशनल हो गया काम, मैं रो रो के रख रहा था अपने आप को। अभी थोड़ी देर पहले 84 आला था बाबा, अभी 86 हो गया। सीधा सीधा थोड़ा आगे वजन डाल के कैमरा भी साइड पर रख के देखा तो भी 86 ही आ रहा है भाई। 1 2 3 पापा भी वेट कर रहे हैं। दोनों का साथ साथ ही देखो पापा। ये लो इसमें आपकी टिकट भी है, दूसरा वो होगा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए हम भरते हैं ना पेपर, एक मम्मी का एक आपका, एक हमने जो एक्स्ट्रा पे की है ना बैग के लिए उसकी जो पर्ची है पैसों की वो भी है। अगर भी पूछता है एयरपोर्ट के ऊपर और चेक इन हमने ऑलरेडी कर दिया है एयर कनाडा की ऐप खोल के, एयर कनाडा पे जा रहे हैं ये लोग। जो आपको मैंने बार कोड दिए स्कैन कोड, वो एक मशीन लगी होती है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके नीचे ऐसा करोगे तो आपके चारों बोर्डिंग पास निकलेंगे, 2 विनीपैग से वैनकूवर, वैनकूवर से इंडिया। और आपका जो बैग है वो बोलते थे कि यहाँ पे जमा कराएंगे विनीपैग में, सीधा आपको मिलेंगे दिल्ली में, और दिल्ली से इंडो कनेडियन पकड़ के सीधा अमृतसर, सही है ना? थैंक यू। कितना हो गया वेट? वेट तकरीबन सही है, 1-2 किलो कमी होगा। हाथ थक गया यार। एमरजेंसी में टिकटें लिए यार। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। कल ही टिकटें लिए हैं तो एमरजेंसी में टिकटें तो थोड़ी महंगी मिलती है आप लोगों को मालूम ही। और एक दूसरा काम ये हो रहा है कि अगर आपको इंडिया से यहाँ आना है तो महंगी है, इस तरफ से उधर ना थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन हमको काफ़ी महंगी मिली, जल्दी जल्दी में टिकटें कराई हैं। रीसेंट में रूल चेंज हो गया, एयर कनाडा ने अभी एक ही बैग अलाउड किया है, 2-2 बैग अलाउड नहीं किए। तो अगर 2 बंदे 4 बैग लेके जाएंगे तो 2 बैगों के पैसे पे करने पड़ेंगे, वो हमने एडवांस में ही कर दिए हैं। रात का टाइम है, कल सुबह पापा और मॉम 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। चलो दिल को समझाना पड़ेगा। इनका टाइम पूरा हो गया, ऐसे वैसे तो हमारे पास 2 महीनों के लिए आए थे, अभी टाइम 2 महीने से ऊपर हो गया। 12 जनवरी को आए थे, फरवरी, 12 मार्च, अभी आज 19 मार्च है। अभी मेरे को बैठ के इंडो कनेडियन की जो बसें चलती हैं सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल से सीधा अमृतसर जाती है, जलंधर तक, जलंधर से आगे उनकी टैक्सी छोड़ के आती है अमृतसर तक, उसको बुक करते हैं तो फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये जो हार्ड कॉपी होती है ना, जगह अगर आप बाहर से जा रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट वालों की एक साइड बनी होती है, उस पर अपनी डिटेल भरनी होती है। अभी कोविड का टेस्ट नहीं चाहिए, अभी सिर्फ आपका वैक्सीनेशन वाला जो कार्ड होता है उसका प्रिंट और उसकी फाइल जो होती है अपलोड करनी पड़ती है। तो सिलाइयाँ बुनी जाए, आपकी फ्लैट है सुबह, कोई जाने वाने की टेंशन है या नहीं है? मुझे कोई जाने के टाइम में बोलोगे मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसे वाली कोटी मेरी भी बनाई हुई मम्मी ने, अभी सुबह डालेंगे, सुबह डालेंगे तो देखेंगे कैसा लगता है सिस्टम। ये किसकी बना रहे हो अभी? भाई जाने से पहले पापा मसाज ले रहे हैं, बोल रहे रिलैक्स करो, मेरे को इंडिया ही जाना है ट्रैवल करके। ट्रैवल बहुत लंबा है भाई, ये बहुत तगड़ी चीज है। ओह ये पैर कोड़ दिया ना, ऐसे 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 करेगी पैरों के, ऐसे ऐसे ठा लाओ ना मेरी मशीन को, आप तो मशीन ही उठा दी ऊपर। मशीन को खींचो उस तरफ, उस तरफ, हाँ ऐसे ऐसे रखो। जिंदगी रही ना कभी बिजनेस वाले में भी सफर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बब्बू देखो क्या कर रहा है, देखो कैसे देखता है, जब भी कैमरे की तरफ इसका ध्यान जाएगा ना टिकटकी पूरी लगा के देखता है, तू कैमरे ना गल करनी ही। जिंदगी में 2-4 चीजें बेस्ट फीलिंग वाली होती हैं, ये भी उसमें से एक है, देखो सो गया। करन इसको बंद कर, मजा नहीं आ रहा। मजा तो आ रहा है ना, मेरे तो पांव ही दबा सारे ऐसे दबा रही जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है। ये ना हो चलने से रह जाओ। मम्मी को मैंने ना लेवल फुल पे लगा के दिया हुआ है, जितना ज्यादा पावर रखो ना पैर को ना तो दबाता है ये पैरों को, नीचे से तलियों से और ऊपर से। विनी बैग से दिल्ली, पापा का नाम लिख दिया साथ में, दूर से पहचान हो जाती है कि अपना टच ही आ रहा है। शीशे जमे हुए साइडों वाले, ड्राइवर साइड का शीशा खोल के बैक कर रहा था इसलिए भाई प्रॉब्लम हो रही थी। ये कैसी लग रही है भाई? ये मॉम ने बना के दी है, मेरे को तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को बोलना कैसी लगी है। मम्मी बढ़िया है, चलो चले चलो।
चलो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपका सामान सारा गाड़ी में लोड हो गया, अभी आप जाने के लिए रेडी हैं। तो मेरे टाटो ये तो मेरे बबली है यार, मानो नहीं पर है तो भी नहीं। चलिए खुश रहो, प्यार रखिएगा। रोई का तो जाते जी पेंट नू चले रोई जाते जी। चलो पानी की बोतल ली नाल, कोई पानी की बोतल ली। पापा ये क्या कर रहे हो? दो महीने सही रहे, अभी जाने के टाइम में पापा के पैर में प्रॉब्लम हो गई, पापा को चाहिए यहाँ पे रुकना, इसलिए पैर आपका पीड़ कर रहा है पापा। एक बेटे की तरफ से माँ को खर्चा पानी। ये लो। अब फ्रेंच मिला मालूम है ना आपको कैसे ऑर्डर करते हैं, मम्मी को भी ले देना आप भी ले लेना, भूखे मत बैठ रहना वहाँ पे। वैनकूवर में थोड़ी सी स्टे है 7-8 घंटे की, क्योंकि अभी एमरजेंसी में फ्लाइट पकड़ी है, कोई शॉपिंग नहीं की, कोई सामान नहीं ज़्यादा लिया, बस कल गए थे 1 घंटे में वापस आ गए। कुलचा जरूर खाया कल हमने। हाँ हाँ वो तो रखेंगे ही। तेरा ख्याल कौन रखूंगा? मेरा ख्याल रखने वाला ऊपर वाला है ना। अरमान बहुत मिस करेगा, जाने को दिल नहीं कर रहा पर जाना पड़ता। पापा मॉम सारा दिन उसके साथ में बस खेलते रहते थे। हमारे घर में सबसे ज्यादा आवाज पहचानता है मम्मी की, मम्मी जब बोलते ना फिश काटो तो वो बस ऐसे ही उसी टाइम में ना रिएक्शन करना शुरू करता है आगे टांगों की। बढ़िया टाइम निकल गया सारा। वो इतना खुश होता है कि गिल्ली मार गया होता है, फिर मानो आई 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 आई। जिंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बीच में आ जाते हैं बंदे के, लेकिन वो भी करने जरूरी होते हैं। बड़े बड़े फैसले आपके आगे आते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। दैट्स द रीजन कि पापा को ऐसा कोई काम आ गया, पापा को निकलना पड़ रहा है कनाडा से। 1 महीने के लिए आए थे एक्चुअली, लेकिन इनका दिल लगा हुआ था। 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तो 2.5 महीने हो चले। डबल खर्चा करना पड़ा, एकदम से टिकट आ गई। अभी पापा सीधा इंडिया जाएंगे, मॉम को उतारेंगे, 1 दिन में वापस दुबई जाएंगे। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप हमारे फेस से उसको जज कर सकते हो कि हाँ हुआ क्या है, काम इतना जरूरी हो गया इसलिए जल्दी जल्दी से भाग कर जा रहे हैं, नहीं तो कल भी वीडियो आती, परसों भी वीडियो आती। ये देखो मेरे पास कितने डॉलर हैं, पर मेरे पास अरमान नहीं है, करण नहीं है, मेरी बहू नहीं है, मनदीप नहीं है, बेटी नहीं है। भाई ये वाला ले जाओ छोटा वाला, आप और मम्मी दोनों बैठ के जाओ। नहीं ये फौजियों वाला लगता है। पासपोर्ट दे पापा, पासपोर्ट। चलो ठीक है, मालूम नहीं वापस आने देंगे नहीं आने देंगे। निकलो आप, ले लो बैग, ये वाली ले आने ना, इसमें घुस जाओ। चलो भाई सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और पासपोर्ट इनके इनको दे दिए। ये पंछी अभी ये जा रहे हैं। ये जाएंगे सीधा विनीपेग से वैनकूवर, वैनकूवर से दिल्ली। इन्होंने आगे बैग जमा कराने, बैग जमा करा के फिर वापस आगे चले जाना, शायद वापस नहीं आएंगे, उधर से निकल जाएंगे तो दूर दूर से टाटा बाय करेंगे, मिल लेते हैं यार। ज़िंदगी में मालूम नहीं कभी दोबारा मौका मिले ना मिले, एक पल का मालूम नहीं होता बंदे का। चलो ठीक है। अरमान का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, चंगा अपना भी ख्याल रखें, अरमान का भी ख्याल रखें, अरमान का ख्याल रखें। फोन हाय हेलो करता नहीं रोज, जदों घर आवे वीडियो कराया कर, मैं तेरे को देखें, मनदीप को देखें, मैं कोई वीडियो कॉल करने वाला नहीं हूं। अगर इनको 1-2 महीना वीडियो कॉल नहीं करेंगे ना तो ये वापस भाग के आएंगे। अगर इनको रोज वीडियो कॉल होगी ना ये बंदे वापस नहीं आएंगे जल्दी। विंटर का टाइम था ना तो इनको घूमने के लिए ज्यादा मिला नहीं, एक ऊपर से आपको मालूम ना मेरी कंपनी का काम बिजी हो गया, तो मैं पिछले 5-7 दिनों से काम में इतना बिजी था कि मेरे को घर पे भी रुकने का टाइम नहीं मिला। मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन ऊपर वाले ने मौका ही नहीं दिया। अभी मैंने 1 महीने इनको और रखना, पहले 1-2 महीने तो मौसम इतने गंदे रहे, -50 -40, चलो कोई चक्कर नहीं, जितना ऊपर वाले ने लिखा होता है, जहाँ पे जितना टाइम लिखा होता है उतना ही स्पेंड कर सकता है बंदा। आगे आपको गर्मियों में बुलाएंगे ठीक है। चलो चलो बाबा, भूखे मत बैठ रहना एयरपोर्ट के ऊपर, वैनकूवर में इनकी स्टे है तो खा पी लेना, एक बैग जमा करा के भी कर दो। अभी जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होते तब तक मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने कल ना ओवर लगेज के पैसे जमा कराए हुए, उनकी रिसिप्ट भी निकाल के दी हुई है, लेकिन मालूम नहीं अभी इन्होंने एक एक ही बैग लोड किया है। दिल पे ना क्या बीत रही है मैं आपको बता नहीं सकता, जो बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं वो समझ सकते हैं कि मेरे दिल में इस टाइम क्या बीत रही है। उत्तराखंडी भाई, एक मोबाइल अंदर रखा हुआ था, उसको रखना था हैंड बैग में।
बैठो। He's scared अम्मा। चलो ठीक है, प्यार रखो अपना, ठीक है, वादा करो पक्का आओगे, वापस आओगे। हो गया क्लियर? हाँ जी हो गया सब। चलो वैनकूवर जाके एक बार कॉल कर देना फिर। तो भाई बहुत सारे प्लान बीच में रह गए। थैंक यू उन सब लोगों का जिन लोगों ने मॉम डैड को इतना प्यार दिया मेरे अलावा। इतना ही साथ था कनाडा में। अभी नेक्स्ट बार कब आएंगे, कब ऊपर वाला मौका देगा, कैसे हालात होंगे कौन जानता है यार। दिल थोड़ा सा उदास हो गया। अभी अरमान सिंह अकेला अकेला फील करेगा। मैं काम पे जाता था ना, कोई टेंशन नहीं होती थी, मेरे को मालूम था पापा मॉम हैं घर पे। थोड़ा सा ना दिल भर भर के आ रहा है बाहर को। रमन भी अपने काम पे जाती है, मैं अपने काम पे जाऊंगा, तो घर में अकेली मनदीप होगी। मैंने सोचा नहीं था कि ये हालत में भी कैमरा ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इमोशनल हो गया काम। मैं रो रो के रख रहा था अपने आप को, क्योंकि मेरे को मालूम था पापा मोम बहुत रोएंगे। मैंने सोचा नहीं था यार, जिस दिन मैंने बुलाया था ना, मैंने सोचा ही नहीं था कि इनको वापस भी जाना होगा। बोलते ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। उनको बहुत प्यार था अरमान से, घर में रो के निकले। तो मैंने अपने आप को रोक रोक के रखा कि नहीं रोना नहीं है, 29 को जाना था। दिल को समझा के रखा हुआ था कि 4-5 दिन छुट्टियाँ लेंगे, घूमा फिरा के थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँगा। ज़िंदगी के ना एक पल का भी मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है कि ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऊपर वाला करे, कभी किसी के माँ बाप को उनके पास में से ऐसा जाना नहीं पड़े। सोचा नहीं था कि 29 को टिकट है, आगे करवा के 10 दिन खुद पैसे खर्च के मैं आगे करवाऊंगा। थोड़ा सा इमोशनल हो गया काम, संभाल लेना। जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है यार बंदे के, लेकिन हमको हर इम्तिहान के लिए रेडी रहना पड़ता है। आपने मेरे को कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा होगा, सॉरी फॉर डैड यार। मालूम नहीं अभी ये पार्ट मैं वीडियो में डालूंगा या नहीं डालूंगा। अभी मैं ठीक हूँ, चढ़ दी कला। अभी वो घर पहुँच जाएंगे, जब तक ये वीडियो आएगी तब कोई टेंशन नहीं होगी उनका, वहाँ पे दिल लग जाएगा। तू बलून देखता थी भाई, जोश आ जाता है इसको, जब जोश आता है ना। इसको खिलाने वाले बंदे कम हो गए, अभी ये रोना स्टार्ट करेगा। रोने से पहले यार अगर अच्छा लगा यार अपनी मर्जी से लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो। बस आज कुछ नहीं बोलेंगे, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने बड़ा का ख्याल रखो। रब रब आहा रब रखा रब रखा रब रखा। We can have the world, see us coming like left, right, left, right, oh.